वो महिलाओं का इतना एम्पावरमेंट करता हूँ, क्या इतना सशक्तिकरण करता है, वो आत्मनिर्भर होती है, उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है और परिवार की आमदनी बढ़ती है। यह सब काम उन लोगों ने वहाँ से शुरू किया। और जब उन लोगों ने देखा कि लड़कियाँ स्कूलों में कम जा रही, मिडिल स्कूल में भी कम जा रही, और उसका कारण सबसे बड़ा कारण था कि गरीबी के कारण माता पिता अपने बेटियों के लिए जो प्रॉपर पोशाक हो सकता है वो देने की स्थिति में नहीं रहते, इसलिए बेटियों को स्कूल ही भेजना बंद कर देते थे पांचवी कक्षा के बाद। तो हम लोगों ने शुरुआत की मिडिल स्कूल में पोशाक योजना की, बालिका पोशाक योजना की, वो इतनी प्रभावी हुई कि महिलाओं लड़कियों की संख्या बढ़ने लगी। और उसी समय हम लोगों के मन में ये प्रेरणा आई कि अकेले हम लड़कियों को आठवीं कक्षा तक पढ़ाएं उससे काम नहीं चलेगा, इनको हमें हाई स्कूल में पढ़ाना चाहिए। हाई स्कूल की संख्या कम है गाँव में, लड़कियां वहां जाएं कैसे, इसलिए हम लोगों ने बालिका साइकिल योजना की शुरुआत की कि नौवीं कक्षा में पढ़ने वाली हर लड़की को हम साइकिल उपलब्ध कराएंगे, उसके लिए राशि उपलब्ध कराएंगे। और आप जानते हैं बिहार में क्या स्थिति थी, पटना शहर कैपिटल राजधानी, यहाँ भी लड़की साइकिल पर नहीं चलती, जिला मुख्यालयों में नहीं चलती, लेकिन जब बालिका साइकिल योजना की शुरुआत हुई तो गांव गांव से समूह में लड़कियां साइकिल चलाकर स्कूल जाने लगी, पूरा दृश्य बदल गया, लोगों की मानसिकता बदली। कौन चाहता था कि बेटी साइकिल चलाए, अगर कोई बेटी साइकिल चलाते हुए दिख जाती तो लोग अफसोस में चले जाते थे, लेकिन जब यह दृश्य उपस्थित हुआ तो उसने पूरे लोगों की सामाजिक मानसिकता बदली। और जब लड़कियों के लिए साइकिल योजना की शुरुआत हो गई, साल दो साल में लड़कियों की संख्या कहां 1,70,000 से भी कम थी लड़कियों की संख्या, आज बढ़कर वो 8,00,000 से भी ज्यादा हो चुकी है लड़कियों की संख्या नौवीं क्लास में सरकारी स्कूलों में। और जब वो हम नहीं बोल सकते, जब हम कहीं भी जाते थे तो लड़के कहते थे अंकल कुछ हम लोग पढ़ लिख क्या, तो हमने लड़कों के लिए भी साइकिल योजना की शुरुआत करा दी। तो आज देख लीजिए कितनी संख्या में लगभग 15,00,000 नौवें क्लास के लड़के लड़कियों को साइकिल वितरित किया जाता है। तो लड़कियों के लिए कितना उत्थान का काम, कन्या उत्थान का काम हम लोगों ने शुरू से किया, स्कॉलरशिप ये देना शुरू, पोशाक योजना जो मध्य विद्यालय से शुरू किया था उसको फिर प्राथमिक विद्यालय से लेकर 12वीं कक्षा तक हम लोगों ने बढ़ाया। एक एक काम इस तरह से लड़कियों के ये आत्मविश्वास का भाव पैदा हो, यह सब काम किया। और अभी हम लोग जो समाज सुधार का अभियान चला रहे बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ, लड़कियां कितनी प्रभावित है, कम उम्र में लड़कियों की शादी होती है, वो मृत्यु की भी शिकार हो जाती है, जो बच्चे पैदा हो जाते होते हैं वो भी कई तरह की बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, कई तरह की बीमारी। और जो हम लोगों ने देखा है कि बिहार में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, अगर कम उम्र की लड़की की शादी हो गई और उससे जो बच्चे पैदा होते हैं स्टंटेड ग्रोथ, पौनेपन के शिकार हो रहे हैं, कई दूसरे प्रकार की बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने सशक्त अभियान चलाना शुरू किया, और ये जब अभियान चलाना शुरू किया है 2 अक्टूबर 2017 से, और इसके पक्ष में कितनी बड़ी मानव श्रृंखला, 14,000 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला इस साल 21 जनवरी को, और पिछले साल शराबबंदी और नशा मुक्ति के पक्ष में 4 करोड़ लोगों की मानव श्रृंखला बनी थी, और इस बार बाल विवाह दहेज प्रथा के खिलाफ, तो यह सब अभियान चल रहा है। लेकिन हम लोगों ने सोचा, और जो आंकड़े हम लोगों के पास आते हैं और हम लोगों को देखने का मौका मिलता है तो उससे बहुत परेशानी कभी कभी होती है। हम देख रहे हैं कि शिशु मृत्यु दर में कमी आई है, बहुत ज्यादा शिशु मृत्यु दर थी, कमी आई है, राष्ट्रीय औसत से थोड़ा कम है, लेकिन जब उसका हम लोगों ने विश्लेषण किया तो देखा कि लड़कों के शिशु मृत्यु दर में ज्यादा कमी आई है, लड़कियों के शिशु मृत्यु दर में उतनी कमी नहीं आई। वैसी स्थिति में यह भी अभियान चला, भाई लड़कियों का भी तो इलाज करवाइए, अगर जन्म लेने के बाद उसको किसी तरह की परेशानी है तो उसका भी इलाज करना चाहिए, बेटी के पैदा होने पर परिवार में खुशी नहीं होती, और हम लोग चाहते हैं इस वातावरण से लोगों को छुटकारा मिले, तो लड़कियों के लिए और कुछ करना जरूरी है। इतना काम करते 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 भी लगा कि नहीं, अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है, तब हम लोगों ने कन्या उत्थान योजना के बारे में सोचा। और अब आपको अभी बता दिया गया है कि लड़की अगर जन्म लेगी तो उनके माता पिता को उनके अकाउंट में 2,000 रुपया दिया जाएगा,
अगर अगले वर्ष एक साल पूरा होने के बाद वो आधार का पंजीकरण करा लेंगे अपनी बेटी को तो 1000 रुपया और दिया जाएगा, और अगर उन्होंने 2 साल की आयु तक उसका टीकाकरण करा दिया संपूर्ण टीकाकरण तो उनको 2000 रुपया की और सहायता दी जाएगी। और जो जन्म के बाद और फिर आधार से पंजीकरण करने के बाद जो 2000 और 1000 रुपया दिया जाएगा 3000 समाज कल्याण विभाग के द्वारा और संपूर्ण टीकाकरण वो करा लेगी तो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा उनको 2000 रुपये की राशि दी जाएगी। और जो लड़की आगे पढ़ेगी आंगनबाड़ी केंद्र में तो हम लोग सबके लिए पोशाक दे रहे हैं लड़का लड़की सबके लिए, लेकिन जब पहली कक्षा में लड़की जाती है दूसरी कक्षा तक उनको पोशाक के लिए 400 रुपया मिलता है, उसको बढ़ाकर हम लोगों ने 600 रुपया कर दिए, और फिर तीसरे से पांचवें तक लड़कियों को मिलता था 500 रुपया पोशाक के लिए, उसको बढ़ाकर हम लोगों ने कर दिया 700 रुपया, और छठे क्लास से आठवें क्लास तक जो मध्य विद्यालय में सबसे पहले हम लोगों ने शुरुआत किया था 700 रुपया पोशाक के लिए देते थे उसको बढ़ाकर 1000 रुपया कर दिया गया, और जो 9वीं से 12वीं तक लड़कियों को हम लोग देते थे 1000 रुपया पोशाक के लिए अब उसको बढ़ाकर कर दिया 1500 रुपया 1500 रुपया ताकि वो ठीक से और बेहतर ढंग से पोशाक का उपयोग कर सके। तो यह सब काम हम लोगों ने किए, और आप जानते हैं आज कुछ साल पहले हम लोगों ने एक स्कीम भी शुरू हुई थी किशोरी स्वास्थ्य योजना सैनिटरी नैपकिन। कितनी कठिनाई में रहती है जब लड़कियों का जो मासिक जो खून होता है वो निकलता है तो उसके लिए किसी के पास कुछ था नहीं, गंदे गंदे कपड़ों से इससे वो काम करती है उसका करती थी अपना इस्तेमाल, इसी से हम लोगों ने सैनिटरी नैपकिन की योजना शुरू कराई किशोरी स्वास्थ्य योजना के नाम, और इसके लिए 150 रुपया हमको दे देते और अब उसकी राशि बढ़ाकर हम लोगों ने ये कन्या उत्थान योजना में 300 रुपया कर दिए। तो हर प्रकार से, और इसके बाद जब देखा कि भाई जब लड़कियों को हम इतना देंगे तो परिवार को लगेगा कि अब बेटी का पालन पोषण करना अब मुसीबत नहीं है, पहले से भी सरकार दे रही है और मदद कर रही है तो अब लड़कियों का ख्याल रखेंगे तो शिशु मृत्यु दर घटेगा, उनका सब तरह से लोग इलाज करेंगे उसका ध्यान रखेंगे। और उसके बाद हम लोगों ने कहा कि भाई हम तो बाल विवाह के खिलाफ चल रहे हैं, दहेज प्रथा के खिलाफ चल रहे हैं, और दहेज प्रथा के चलते ही बाल विवाह ज्यादा प्रचलित हुआ, तो जो लड़की अब 12वीं कक्षा पास कर जाएगी इंटर पास कर जाएगी तो उसको अब हम लोग और अविवाहित रहने पर 10000 रुपया देंगे। अब माता पिता सोचेगा ना उस समय 18 साल से कम उम्र में इंटर पास करती और 18 साल से कम उम्र में शादी नहीं होनी चाहिए तो उसको 10000 रुपया मिलेगा, तो गार्जियन को माता पिता को लगेगा कि अब लड़कियों की और लड़कियों के शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ग्रेजुएशन करने पर उसमें वो विवाहित हो या अविवाहित 25000 रुपये की मदद करेंगे। इसलिए जितनी पूर्व से योजनाएं चल रही हैं उसके अलावे अभी जो एक लड़की जन्म लेगी और ग्रेजुएशन कर लेगी स्नातक परीक्षा पास कर लेगी तो उसको कुल मिलाकर 54100 रुपये की अतिरिक्त सहायता दे। अब हम सब लोगों से अपील करें, अरे भैया बेटियों का तो ख्याल रखिए, हम तो एक पिछड़े राज्य हैं लेकिन फिर भी हम लोगों ने नारी सशक्तिकरण के लिए बराबरी के लिए जो कुछ भी काम किया उत्थान के लिए जो काम किया हर लड़की के, और हमारी कोई स्कीम होती है कुछ खास के लिए नहीं यूनिवर्सल स्कीम हर लड़की के लिए स्कीम चालू, और 2 लड़कियों तक एक माता पिता की 2 लड़कियों तक हम लोग इस योजना को लागू कर रहे हैं और इसका लाभ लोगों को मिलेगा। तो मैं समझता हूँ इसका ठीक ढंग से सामाजिक स्तर पर भी प्रचार प्रसार होना चाहिए, इसका उद्देश्य है शिशु मृत्यु दर को घटाना, इसका मकसद है लड़कियों का ख्याल रखना, इसका मकसद है लड़कियों में आत्मविश्वास पैदा हो, लड़कियां आगे बढ़ें पढ़ें, तो इन सब चीजों को ख्याल में रखते हुए और बाल विवाह की शिकार नहीं हो, दहेज प्रथा से छुटकारा मिलेगा, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखकर जिसका सामाजिक कारण है जिसका स्वास्थ्य संबंधित कारण है इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको क्या बताऊं, जो हालत है अभी स्टंटिंग के शिकार जो होते हैं हम तो सबसे यही अपील करते हैं हर जगह हम कहीं भी जाते हैं स्वास्थ्य जरूर बोलते हैं बौनेपन के हमारे बच्चे शिकार हैं कई तरह की बीमारियों के शिकार होते हैं उससे निकालना हम सब लोगों का दायित्व है और समय पर
अगर हम बच्चे बच्चियों का संपूर्ण टीकाकरण करा दें 2 साल की आयु तक, तो कई प्रकार की बीमारियों से हमको छुटकारा मिल जाए। आप सोचिए, पल्स पोलियो अभियान चला करके बिहार को पोलियो की बीमारी से मुक्त किया, तब उसके लिए जरूरी है। कई तरह की जापानी इंसेफेलाइटिस, कितने तरह की, अभी हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी ने इसकी जानकारी आप लोगों के समक्ष रखी है। तो इन सब चीजों से छुटकारा मिलेगा, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने योजना चलाई है। और मुझे पूरा यकीन है कि इस प्रकार की योजना का लाभ सबको मिलेगा, यूनिवर्सल स्कीम है। और एक आग्रह हम करेंगे, आज तो इसकी लॉन्चिंग हो गई, अब एक आग्रह हम करेंगे समाज कल्याण विभाग को भी और स्वास्थ्य विभाग को भी, जो बच्ची के पैदा होने के बाद 2000 रुपया समाज कल्याण विभाग उनके माता पिता के खाते में देगा, 1 साल के अंदर आधार से अपने का आधार का पंजीकरण कराने से 1000 रुपया और देंगे, और जब संपूर्ण टीकाकरण हो जाएगा तो स्वास्थ्य विभाग 2000 रुपये की मदद करेगा। अभी जो तत्काल लागू किया है वो अपने अपने विभाग के माध्यम से इन्होंने एक जो भी व्यवस्था है उसको प्रारंभ किया है, यह तो ठीक है, लेकिन मेरा सुझाव है कि इसको हमें लोक सेवा अधिकार अधिनियम से जोड़ देना चाहिए, और हर ब्लॉक में हर स्तर पर जो लोक सेवा केंद्र है जिसके माध्यम से कई प्रकार के सर्टिफिकेट और लगभग 52 तरह की सेवाएं जो राज्य सरकार की है लोगों को एक निश्चित समय सीमा के अंदर उपलब्ध होता है, और 15 करोड़ से ज्यादा लोगों ने जब इसको हम लोगों ने 2011 में लागू किया, उस समय हमारे सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव दीपक जी थे, जो अभी मुख्य सचिव हैं, जो लागू किया गया उसका कितना लाभ लोगों को मिला। लोगों को घूस देना पड़ता था एक सर्टिफिकेट लेने के लिए, उसकी नौबत खत्म हो गई, उसका उपाय कर दिया व्यवस्था में सुधार कर लोक सेवा का। तो हम चाहेंगे कि किसी को कष्ट नहीं हो, इन स्कीम्स को भी आप लोक सेवा कानून से जोड़ दीजिए, और जिसको जिसका जन्म हुआ वही वो दरखास्त दे देगा पंजीकरण करा करके जो भी होता है, और उसके बाद उसको 1-15 दिन या जो भी उसकी समय सीमा निर्धारित हो जाएगी उसी समय सीमा के अंतर्गत उनके अकाउंट में पैसा चला जाएगा, और ये केंद्र ब्लॉक तक बना हुआ है, तो कहीं भी किसी को इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा। एक सेंटर जो हमारे पूरे बिहार में हर ब्लॉक में बना हुआ है उसके माध्यम से इसका लाभ मिलेगा। एक मेरा सुझाव है, इस पर भी मुख्य सचिव से मैं विशेष तौर पर आग्रह करूंगा, और सभी विभागों के प्रधान सचिव भी बैठे हुए हैं, मंत्रीगण भी बैठे हुए हैं, सबसे मैं कहूंगा यथाशीघ्र इस योजना के बारे में पूरा आप उसको वर्कआउट कर लीजिए, और मुझको लगता है कि यह सबसे सहज होगा और सबसे आसानी से लोगों को इसका लाभ मिल जाए। और दूसरी बात, जब हम इतना नारी सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, तो हमने बताया कि हमने शुरू किया था बालिका साइकिल योजना से 2000 रुपया देते, और उसके बाद उसको बढ़ाकर हम लोगों ने 2500 रुपये किया, और आज कन्या उत्थान योजना की शुरुआत हो रही है। तो मैं इस बात की जानकारी देना चाहता हूं कि अब हम लोगों ने निर्णय ले लिया है कि साइकिल योजना की राशि 2500 से बढ़ाकर 3000 रुपये कर दी जाएगी, ताकि हमारे बच्चों को और सुविधा हो। तो आज के इस अवसर पर, विशेष अवसर पर मैंने उचित समझा कि इसकी जानकारी दे दी जाए सार्वजनिक रूप से, और इसी साल से लागू हो जाए इस साइकिल योजना की राशि 2500 रुपये से बढ़ाकर 3000 इसी वित्तीय वर्ष से लागू होगा, और आप जानते हो तो नवंबर के बाद दिया जाता है इसलिए। और जरा हम प्रधान सचिव शिक्षा से अनुरोध करेंगे कि जब इस योजना को हम लोगों ने शुरुआत किया था तो इसका एक सर्वेक्षण किया था, आप पुनः एक सर्वेक्षण करें कि जो लाभार्थी हैं साइकिल खरीद रहे हैं, तो इसलिए इस बात को भी दिखवा दीजिएगा तो अच्छा रहेगा, और राशि भी उनको मिल जाएगी तो ज्यादा खुशी होगी। हम तो यही चाहते हैं कि लोगों के मन में एक खुशी का भाव हो और लोग अपना काम करें, पढ़ें, और आगे तभी पढ़ेंगे जब पढ़ें। तो हमारी सबसे बड़ी दिलचस्पी है कि लोग शिक्षा के प्रति आकृष्ट हों, पढ़ें और आगे पढ़ें, और समाज में समरसता का भाव हो, समाज में सद्भावना का भाव हो, समाज में प्रेम का, शांति का, परस्पर सम्मान का भाव, और इसके लिए बहुत जरूरी है। और महिलाओं के लिए जो किया कि शराबबंदी तो उन्हीं के कहने पर लागू किया, महिलाओं की मांग पर लागू किया, महिलाएं प्रसन्न हैं,
उनको तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन चंद लोग उनको बड़ी तकलीफ होती है कि कौन काम करेंगे, ये मेरा अधिकार है, पीते थे पीने में दिक्कत हो रही है। तो पीने का अधिकार कोई मौलिक अधिकार नहीं, तो ये सब आप लोगों के लिए हमने किया है, इसलिए आपका दायित्व बनता है। हम लोग काम तो बहुत करना चाहते हैं, लेकिन कई ऐसी घटनाएं घट जाती है, मुजफ्फरपुर में ऐसी घटना घटती है कि हम लोग संसार इतनी तकलीफ में और आत्मग्लानी के हम लोग अब शिकार हो गए। समझ में नहीं आता है कि समाज में कैसी कैसी मानसिकता के लोग, समाज कल्याण विभाग इसको चलाता है, अब कैसी मानसिकता के लोग कहां होते हैं, क्या करेंगे, जानकारी मिल गई तो कार्रवाई हो रही है, सीबीआई जांच कर रही है, और हमने तो अपने महाधिवक्ता महोदय से कह भी दिया है, एडवोकेट जनरल साहब से, और इसकी घोषणा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में कर दी है कि भाई हम लोग तो चाहेंगे कि सीबीआई की इंक्वायरी हाई कोर्ट उसको मॉनिटर करे, उसकी मॉनिटरिंग उसकी जांच होनी चाहिए, ताकि कोई इसमें दोषी है वो बचे नहीं, सब पकड़े जाएं। मुख्य सचिव महोदय से भी कहा है, अभी तीन दिन पहले चर्चा हुई, मुख्य सचिव थे, समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव थे, डीजीपी थे, सारी बातों की हम जानकारी ले रहे हैं, तो हमने कहा कि अपने स्तर से गंभीरता पूर्वक करें और ये देखिए कि हमारे सिस्टम में क्या फ्लॉ है। जब तक कोई सिस्टम में फ्लॉ नहीं होगा, कैसे लोग आ जाते हैं, क्या करते हैं, जिस तरह से कुछ करेगा कोई, और पूरी बदनामी और पूरी ग्लानी स्तर की घृणित घटना, ये पाप किया है, पाप कर्म है। तो सजा तो मिलनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हम सबों को यह भी सोचना है कि भाई सिस्टम ऐसा हो, हमारा तंत्र इस तरह से विकसित होना चाहिए, हमारी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि ऐसी घटनाएं न घटे, और उसके लिए हम सबों को काम करना होगा, और वो काम कीजिए। और मुझे जानकारी है कि मुख्य सचिव उस पर पूरी बात कर रहे हैं, और हम लोगों के साथ भी विमर्श करेंगे, हम लोगों को भी जो लगेगा वो हम सुझाव देंगे और बताएंगे पूरी चीज को देखकर। तो एक एक चीज को मैं समस्त बिहारवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि समाज में कुछ ऐसी भी किसी प्रकार की घटना घटेगी तो हम लोग उसको टालते नहीं, सबक सीखना चाहिए, कोई इस तरह की बात ऐसा कर दे, क्या आप इसके बारे में कहा जा सकता, कितनी घृणित घटना, शर्मनाक पाप जैसी बात, जैसी घटना है। अब इससे तो समाज को कभी ऐसे ऐसी घटनाओं के चक्कर में समाज न पड़े, और सीमित लोग, वैसे लोगों के लिए अगर ये व्यवस्था की गई कि किसी को आप वैश्यावृत्ति से मुक्त कर रहे हैं, कोई अनाथ बच्चे हैं, ऐसे सब लोगों के लिए कोई व्यवस्था की जाती है, तो भाई जब व्यवस्था की जाती है तो व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए उस व्यवस्था की कोई कमर न तोड़े, उस व्यवस्था को लोग कोई इस तरह से न कर दे कि हर आदमी आत्मग्लानी का शिकार हो जाए। तो आज तो मुझे बड़ी तकलीफ, बहुत पीड़ा है, और लेकिन हम जरूर इस बात को देखेंगे कि जो गड़बड़ करने वाला है, जिसने गलत किया है, पाप किया है, उसको हर तरह से कोई बख्शा नहीं गया, चाहे कोई भी हो, लेकिन इसके साथ साथ हम सब लोगों को व्यवस्था में सुधार का भी प्रयास करना चाहिए, और सब लोगों से कहें ये सारी चीजें, इसका मकसद होता है थोड़ा सामाजिक, और जब तक सामाजिक स्तर पर यह जागृति नहीं आएगी, ऐसी स्थिति, और हमने जो बनाया स्वयं, जो स्वयं सहायता समूह हमारी है और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं का है, वो बहुत अच्छे ढंग से काम कर रही है। मैं तो सबसे आग्रह करूंगा कि एक एक चीज पर कॉन्शस रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए, अगर कहीं से थोड़ी आशंका दिखे तो उसके बारे में तत्काल सूचना भी देनी चाहिए, और जब ये व्यवस्था को सुधारने के लिए कोई व्यवस्था बनाई जाएगी तो मैं जरूर कहूंगा कि लोगों को डायलॉग करने के लिए, जानकारी देने के लिए, सूचना करने के लिए पारदर्शी तंत्र का भी विकास किया जाए, ताकि कोई बात की जानकारी अगर किसी के पास हो तो वो मन में लेकर न रखे, बल्कि उसको बताने की कोशिश करे। तो आज के इस अवसर पर और मैं क्या कहूँ, एक तरफ जहाँ कन्या उत्थान योजना की शुरुआत हो रही है, तो इसके लिए मन को तसल्ली होती है,
कि भाई जिसके बारे में नारी सशक्तिकरण के बारे में सोचते हैं उस दिशा में यह भी एक ठोस और कारगर कदम है, और दूसरी तरफ अगर कहीं महिलाएं को शिकार हो गई तो उसकी इतनी पीड़ा मन में होती है। इन दोनों के बीच से गुजरते हुए आज आपके बीच में उपस्थित हुए हैं, मैं आप सबको बधाई देता हूँ। और यही मैं सबसे आग्रह करूँगा कि भाई समाज में सुधार के लिए सबको एकजुट होकर काम करते रहना पड़ेगा, इसके सिवा समाज सुधर नहीं सकता है। क्योंकि आप जानते हैं व्यक्तियों का, कई लोगों का स्वभाव इतना विकृत होता है, ऐसे विकृत स्वभाव वाले होते हैं कुछ भी कर सकते हैं, अनर्थ कर सकते हैं। कोई धनोपार्जन के लिए करता है, हाथ में ताकत मिलती है तो पैसा बनाने लगता है, किसी को शक्ति मिले उसका दुरुपयोग करता है पैसा बनाने। और बहुत लोग होते हैं जो जिनका चरित्र इतना खराब है कि वो इस तरह की बात करते काम करते हैं, घृणित काम करते हैं। तो ऐसी स्थिति में पूरे समाज को सचेत रहना पड़ेगा और पूरे समाज को सजग रहना पड़ेगा। मैं इतना ही कहूंगा कि मैं जब तक हूं मैं समाज सुधार के लिए अपना काम करते रहूंगा, और अगर सरकार में हूं तो मैं निश्चित रूप से बिल्कुल कानून का राज होगा और किसी तरह का समझौता नहीं होगा, और कोई भी अपराधी है उसको बिल्कुल कानून की अदालत में हम लोग खड़े करते रहेंगे ताकि उसको ऐसी सजा मिले कि इसका असर समाज पर पड़े और ऐसा काम करने से लोग बचने की कोशिश करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देते हुए और तीनों विभाग को, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण